है मेरे सामने बिल्कुल पाकिस्तान का पवेलियन आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी कलरफुल पवेलियन। यहाँ से इसकी एंट्रेंस स्टार्ट होती है और ये देख सकते हैं सारा का सारा आप पाकिस्तान पवेलियन। अभी मैं अंदर चलता हूँ, आपको सारी अंदर की डिटेल भी देंगे कि अंदर इसके क्या क्या है। तो व्यूअर्स, जैसे ही आप पाकिस्तानी पवेलियन में इंटर होते हैं तो इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एंट्रेंस पे जैसे ही आप इंटर होंगे तो सबसे पहला जो ये सेक्शन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 5 से 7 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उसके रिलेटेड है कि जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली थी। यहाँ पर बहुत ही बड़ी ये मेजर स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं जहाँ पर मुग़ल एरा की सारी चीज़ें हैं और ऑन द बैक वॉल के ऊपर वो सारी चीजें जो कि वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिस्कवर हुई थी। यहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ भी है जो कि फॉरनर्स को सारी ये डिटेल्स भी बता रहे हैं, जो कि चीज़ें प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट हो रही हैं और इस सिविलाइजेशन के बारे में भी वो सारी डिटेल्स देते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें के रेप्लिका बनाई गई है, सेम उसी तरह के आइटम्स बनाए गए हैं जो कि वहाँ खुदाई से जो भी चीज़ें डिस्कवर हुई थी उसकी रेप्लिका ये सारे आइटम्स यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो इस पाथवे में आपको शीश महल लाहौर सेम उसी तरह लग रहा है जैसे कि आप शीश महल लाहौर के पाथ में चल रहे हैं, बिल्कुल सेम है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल उसी तरह की दीवारें हैं और जो आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं ऐसे लगता है ये एक बालकनी है, लेकिन ये भी एक प्रोजेक्टर की स्क्रीन है जो कि बिल्कुल रियल लगती है। अभी आप थर्ड सेक्शन में आ गए हैं जो मोहानो कम्युनिटी सिंध में है और ये जो बोट्स हैं ये बोट हाउसेस होते थे जो आज से 100 साल 200 साल पहले वो लोग बनाते थे और उसी में रहते थे। ये जो मेरे सामने अभी आप देख रहे हैं प्रोजेक्टेड स्क्रीन के ऊपर, ये सारी जो पाकिस्तान के टूरिज्म से रिलेटेड जगहें हैं जिनको डिस्कवर किया जा सकता है। ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सारी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ये सारी जगहें मिलेंगी जो कि पाकिस्तान में हैं। इस सेक्शन के कॉर्नर में आपको यहाँ पे कैलाश वैली और कोहिस्तान वैली में जो लेडीज़ ड्रेसिंग है जो कि पिछले काफ़ी 100 सालों से चलती हुई आ रही है, वो सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह के फ़ोटोज़ भी डिस्प्ले किए गए हैं जैसे कि क्लोथ्स वहाँ पे दिखाए गए थे, ये लेडीज़ इसी तरह के क्लोथ्स अभी भी वहाँ पे पहनती हैं।
अभी हम सेक्शन 4 में इंटर हुए हैं और ये जो सेक्शन है ये स्पेशली सिंध प्रोवेंस और कराची के प्रोवेंस से लिया गया है और उसी की सारी रिलेटेड है। आप जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे तो स्पेशली यहाँ पे जो सारा इंटीरियर है वो आपको सिंध प्रोवेंस से रिलेटेड मिलेगा, स्पेशली कराची और सिंध से रिलेटेड। हर जो भी सेक्शन है उसके रिलेटेड स्क्रीन्स के ऊपर उसी के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है वो डिस्प्ले की जा रही होती हैं। और यहाँ से आप एग्ज़िट करके इसके बाद ये छोटा सा आपको यहाँ पे ब्रिज मिलेगा जो कि दूसरे सेक्शन को कनेक्ट करता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेन एंट्रेंस की जगह है जहाँ से आप लोग इंटर हुए हैं। अभी आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में थ्रू दिस स्मॉल ब्रिज अभी आप जा रहे हैं। और जैसे ही आप इस सेक्शन में आते हैं तो ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेक्शंस थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वहाँ पे अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है और स्पेशली जो कि मिनरल्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हैं पिंक सॉल्ट। ये पिंक सॉल्ट बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और बहुत ही एक्सपेंसिव सॉल्ट होता है ये, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पिंक रॉक सॉल्ट का है और ये बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ से लाया गया है। अभी हम 7th सेक्शन में जाएंगे जो कि सबसे ज़बरदस्त सेक्शन है, बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है, रेज किया गया और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 1 बिलियन ट्रीज लगाने हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल आपको परिंदों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप जंगल में। Thank you.
अभी व्यूअर्स, ये यहाँ का पाकिस्तान पवेलियन का लास्ट सेक्शन है जो कि बाज़ार है। यहाँ पे सारी जो भी चीज़ें हैं वो मेजॉरिटी हैंडमेड आइटम्स हैं और यहाँ से आप अपनी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्शंस हैं और वहाँ पे डिफरेंट किस्म के आइटम्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सारे जितने भी ये आइटम्स हैं ये मेजॉरिटी हैंडमेड आइटम्स हैं। सर जी, इधर आप देख सकते हैं जो एक्सपो पासपोर्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान की स्टैम्प लग चुकी है। ये पहला पवेलियन हमने अभी रिव्यू किया है, इसके आगे बाकी काफ़ी सारे पवेलियंस हैं जो कि स्टिल पेंडिंग है। एक दिन में तो इम्पॉसिबल है किसी भी कंट्री के 3-4 से ज़्यादा आप लोग नहीं व्यू कर सकते, लेकिन ट्राई करते हैं अभी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। चलिए